नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल माँ की कलाकृति में स्वागत है। तो आज हम आंवले का बहुत ही आसान तरीके से अचार बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आंवले का अचार बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगता है। आंवले का अचार बनाने के लिए हम यहाँ पे 800 ग्राम आंवले लिए हैं, तो इसे उबाल लिए हैं। तो इसे उबालने के लिए हम आंवले में 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी रखकर और इसे पानी में उबाल कर ले लिए हैं। उबल जाएगा तो हम देखेंगे किस तरह ये उबल गया आंवला। तो जब आंवला उबल जाएगा तो यह फट जाएगा आंवला, तो इसे हम समझेंगे कि आंवला हमारा पक गया है। तो उसे हम पानी से निकाल कर ठंडा करके और इस तरह कली कली हम अलग अलग कर लेंगे। आप गोटा आंवला का भी अचार लगा सकते हैं और इस तरह कली कली अलग भी करके लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कली कली अलग कर दिए हैं और इसे एक दिन पूरा धूप में सुखा कर ले लिए हैं। हम इसके बीज को भी ले लिए हैं, इसमें भी आंवला है लगा हुआ, तो इसके बीज को भी हम ले लिए हैं। और इसमें अचार में मसाले क्या क्या पड़ेंगे तो देख लेते हैं। अचार के लिए मसाले हम लेंगे 1 चम्मच अजवाइन लिए हैं, आधा चम्मच मंगरैल लिए हैं और 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच मेथी दाना है और 2 चम्मच भर के हम यहाँ पे पीला सरसों लिए हैं। आप काला सरसों में भी अचार लगा सकते हैं। और तेल लिए हैं, तेल अपना आवश्यकता के अनुसार लेंगे। और यहाँ पे 1 चम्मच छोटा चम्मच से 1 चम्मच हल्दी लिए हैं और बड़ी चम्मच से 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिए हैं और नमक अचार में अपनी आवश्यकता के अनुसार लेंगे। आप जितना चटकार अचार खाएंगे उसी के हिसाब से नमक डालिएगा। गैस जलाकर पेन गरम होने के लिए रख दिए थे, पेन हमारा गरम हो चुका है तो इसमें अब हम मसाले को भून लेंगे। तो पहले हम मंगरेल को भूनेंगे। मसाले हम हमेशा धीमी फ्लेम पर ही भूनेंगे। मसाले को हल्का सा इसका कच्चा पर सिर्फ दूर करना है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। हल्का सुनहरा हो जाए तो निकाल लेंगे। मंगरेल को पहले भून रहे हैं कि इसे भूनकर अलग कर देंगे, इसे नहीं पीसना है। तो मंगरेल हमारा भून गया हल्का सा, तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह सभी मसाले को हल्का हल्का भूनेंगे। अजवाइन को भी नहीं ज़्यादा भूनना है, इसे भी हल्का सा ही भूनना है, इसे भी नहीं पीसना है, इसे भी गोटा ही रखना है। मेथी और सौंफ को भी हल्का भून लेंगे। इसे दरदरा हल्का सा मतलब कि पीसना है, गोटा ही इसको रखना है, दरदरा एकदम मोटा दरदरा पीसना है। सौंफ और मेथी भी हल्का सुनहरा भून गया तो इसे भी निकाल लेंगे। सरसों को पैन में डालकर भून रहे हैं, इसे भी हल्का सुनहरा भून लेना है। अचार में मसाले भून के डालने से एक तो अचार हमारा जल्दी खाने के लिए तैयार हो जाता है और अचार से मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छे आते हैं। तो भी हमारा भूनकर तैयार हो गया। तो इस तरह दरदरा मसाले को हम पीस कर ले लेंगे। सौंफ और मेथी दाना को एकदम मोटा हल्का सा दरदरा करना है और सरसों को थोड़ा महीन पीस लेना है और मंगरेल और जवाइन को नहीं पीसना है, इसे हम गोटा ही डालेंगे। तो चलिए अब आंवले का अचार में मसाले डाल के हम मिला देते हैं। सभी मसाले हम डाल देंगे। तो सभी मसाले हम डाल देंगे और तेल जितना आप अचार में डालना चाहें तेल डाल सकते हैं। इतना हम डाले हैं और तेल लगेगा तो हम और अभी तेल डालेंगे। तो आंवले में अच्छी तरह सभी मसाले को मिला लेंगे। आंवले का अचार बनकर तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा बना है आंवले का अचार। इस तरह आंवले का अचार बना के खाने से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अच्छी तरह आंवले में मसाले मिल गए हैं। तेल आप जितना चाहें इसमें डाल सकते हैं।
अचार में जितना ज़्यादा तेल होता है अचार उतना दिन तक अच्छा रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसे हम 2 दिन धूप में सुखा देंगे और उसके बाद टाइट ढक्कन वाले डब्बे में आप बन करके रख दीजिए। आप इसे महीनों आराम से खाते रहिए, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा अचार। इसमें जो हम आंवले का बीज रख दिए हैं, ये भी मसाले में जब तेल में फूल जाएंगे तो इसे भी चूस के खाने से बहुत अच्छा स्वाद लगेगा खाने में। तो आंवले का अचार बनकर तैयार हो गया। इस तरह आंवले का अचार बनाकर आप लोग भी ज़रूर खाइएगा, यह बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है और हमारे खाने के स्वाद को भी बहुत बढ़ा देता है। तो इस तरह बनाकर आप लोग आंवले का अचार ज़रूर खाइएगा और कमेंट कर बताइएगा कि आंवला का अचार आप सभी को कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपनों में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। धन्यवाद।